हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सपना है। मैं आज आपको नई पेंटिंग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़रूरत पड़ेगी, फेविकोल, फ्लैट ब्रश, गोल्डन डस्ट, एशियन पेंट और एक हार्डबोर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हार्डबोर्ड पर डिज़ाइन कर लिया हुआ है। मैं अपने आगे के वीडियो में आपको डिज़ाइन छापना बताऊँगी हार्डबोर्ड पर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके गूथेंगे और इसमें थोड़ा सा हम फेविकोल डालेंगे। और फिर हम पानी डाल के इसको चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ये हमारा गीला हो गया, तो थोड़ा हम और लेंगे। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें हाथ से ही मिलाना होगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं अच्छे से गूंथ लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और बहुत सूखा भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये देखिए गूंथ के तैयार हो गया है। हम थोड़ा थोड़ा ही गूंथेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा जल्दी। और फिर हम ये हार्डबोर्ड लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो डिज़ाइन किया है, जहाँ से स्टार्ट करना है, पहले हम यहाँ पे ये देखिए फेविकोल लगा लेंगे। देख सकते हैं उसको, उसके बाद हमने ये जो गुथा है इसको ले लेंगे, इसको पतला सा कर लेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं। फिर इसी के साइज का यहाँ पे रख देना है। ये देखिए, थोड़ा मोटा ही रहे फ्रेंड। ये देखिए, इसी तरीके से फिर हम दोबारा करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी हम ऐसे ही लगा लेंगे फेविकोल। देखिए, अब फिर ये जो हम गुथे हुए हैं इसको लेंगे, हाथ से थोड़ा इसको लंबा करेंगे, न बहुत ज़्यादा मोटा ही रहे न बहुत पतला ही रहे। देखिए, फिर हम इसको यहाँ पे रख देंगे। जिस शेप में रहेगा डिजाइन, उसी शेप में आपको रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारा करेंगे। ये देखिए, एक पत्ती भी है, हम आपको पत्ती भी बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ से फेविकोल लगाएंगे, ऐसे छोटा सा हम लेंगे, बॉल की तरह बना लेंगे इसको। ये देखिए, फिर इसको ऐसे ही थोड़ा, ये देख सकते हैं किस तरीके से हम उंगली पे कर रहे हैं। यहाँ से पत्ती सेप दे देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे रख देंगे। अब देखिए फिर इसी तरीके से हम ये फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फ्लावर बना है, इस पर हम फेविकोल लगा लेंगे। आप हाथ से भी लगा लीजिएगा, हाथ से ज़्यादा सही पड़ेगा, नहीं तो आप ब्रश यूज कर सकती हैं। ये देखिए, इसको भी हम बॉल की तरह ही बनाएंगे। और ये देखिए, हमने इस आकार में इसको बना लिया है। अब यहाँ पे ऐसे रख देंगे जहाँ पे फेविकोल लगाए हैं। ये देखिए, हमने ब्लेड लिया है, इसको हम दिल शेप में कट कर देंगे। ये देखिए, और फिर हाथ से, हल्के हल्के हाथ से इसको सही कर दें। आप देख सकते हैं ये दिल शेप में आ गया है। इसी तरीके से हम ये फ्लावर बना लेंगे, ये सारा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा बना लिया है। इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे, फिर इसको सूखने के लिए रखेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा बन के कंप्लीट हो गया और ये सूख भी गया। अब इस पर हम एशियन पेंट करेंगे, ब्लैक कलर होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एशियन पेंट है और ये हमारा फ्लैट ब्रश है, इससे लेंगे। फिर ये देखिए पूरा इसको हम कलर कर लेंगे। हार्डबोर्ड के नीचे भी होगा, जो हमारा हार्डबोर्ड है और ये जो हम बनाए हुए हैं वो सारा का सारा कलर होगा फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम पूरा ब्लैक कर लेंगे और ये हार्डबोर्ड के नीचे भी सारा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारा कर लिया, अब इसको सूखने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सारा सूख गया है। अब इस पर हम डस्ट करेंगे, गोल्डन डस्ट रहेगा। ये देखिए हमारा डस्ट है, इसको पहले हम एक पेपर में लेंगे। ये देखिए हमने पहले से ही निकाल रखा है। इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और हल्के हल्के मुंह से फूकेंगे। जहाँ आपको डार्क लाइट करना है वहाँ आप ज़्यादा फूकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसको ऐसे फूकना है। कहीं डार्क कहीं लाइट आप ऐसे ही पूरा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डस्ट हो गया। अब इसको हम सूखने के लिए रखेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियो दिखाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।